नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र राठ है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया वो बर्ड्स खुजली क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा ईचिंग या स्क्रैचिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से बर्ड्स इस तरह से रेस्टलेस हो जाता है। इस वीडियो में मैं सभी उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से बर्ड्स इस तरह की जो है परेशानी झेलता है। जनरली जो बर्ड्स है स्क्रैचिंग इसलिए करते हैं ताकि उनकी बॉडी में यदि कोई डस्ट पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसको निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो धीरे धीरे खारिश या खुजली का रूप ले लेता है। वाइल्ड के अंदर बर्ड्स भी जो है मोस्टली अपने आप को सजने या संवरने के लिए अपने फेदर्स की क्लीनिंग करते रहते हैं ताकि कोई भी पैरासाइट्स है या कोई डस्ट पार्टिकल बॉडी में है तो उसको निकालने के लिए बर्ड्स पूरे दिन ही अपने आप की क्लीनिंग करते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर इसको एक लिमिट से ज़्यादा करना शुरू कर देते तो हमें समझ जाना चाहिए कि आपके बर्ड्स में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बर्ड्स उसको संभाल नहीं पा रहा, और उस स्क्रैचिंग को करते करते बर्ड्स अपने शरीर पर भी जो है नुकसान या चोट पहुँचा लेता है। क्योंकि ईचिंग इतनी भयंकर होती है कि वो अपनी बॉडी को केजिस के ऊपर रगड़ना शुरू कर देता है या अपने लेग्स से जो है अपने फेदर्स को इतनी ज़ोर से स्क्रैच करता है कि वहाँ पर जो है जख्म के निशान बढ़ जाते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बर्ड्स ऐसा क्यों करता है, स्क्रैचिंग करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला जो रीज़न होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यदि आपके बर्ड्स में किसी न्यूट्रिशन की कमी है, वो कमी उसकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा पा रहा तो बर्ड्स की बॉडी में ऑटोमेटिक ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। यदि बर्ड्स की डाइट में विटामिन ए और जिंक की कमी हो तो विटामिन ए और जिंक की कमी होने से बर्ड्स में जब भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है स्किन जो है थोड़ा रफ सी हो जाती है, बर्ड्स जो है स्क्रैचिंग या इचिंग स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमें बर्ड्स की डाइट्स में जो है पैलेट्स देने चाहिए, क्योंकि पैलेट्स में क्या होता है एक कंप्लीट फूड होता है, उसमें विटामिन ए और जिंक एडेड होता है। क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन होता है पैलेट्स का, यदि आप उसके पैकेट्स पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि उसका जो कंपोजिशन होता है अपने आप में कंप्लीट डाइट होता है। उसमें सारे विटामिन प्रोटीन मिनरल्स एज ए कंपोजिशन बर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें ऐड की होती है। इसलिए पैलेट डाइट जो होती है बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है और हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट होती है। विटामिन ए स्किन को तो हेल्दी रखता है, उसके अलावा विटामिन ए जो है आइज़ की आप ये कह सकते हो आइज़ में प्रॉपर सींग यानी आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके रेटिना में कोई प्रॉब्लम ना आए, रिप्रोडक्टिव कोई डिसऑर्डर ना आए बर्ड्स में, उसके लिए भी विटामिन ए जरूरी होता है। बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए विटामिन जरूरी होता है। इसके अलावा यदि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, यदि विटामिन ए की कमी है तो बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए विटामिन ए का बहुत बड़ा अहम रोल है बर्ड्स की डाइट में। ये सब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के अंदर यदि आपका बर्ड्स विटामिन ए किसी कारणवश नहीं ले पा रहा तो आपको इन सब से रिलेटेड आपको कोई ना कोई, चाहे वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो उसके रिप्रोडक्शन में एग फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका इम्यूनिटी वीक होगी तो आपका पक्षी बार बार बीमार होगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो है बर्ड्स जो है एक्सेस स्क्रैचिंग करनी शुरू कर देगा, अपनी पूरे शरीर को जो है पंजों से या अपने बॉडी को केज के ऊपर रब करना शुरू कर देगा। आप बर्ड्स की यदि आइज़ को वॉच करेंगे तो आप उसके आइज़ में देखेंगे कि वाइट वाइट कलर का कीचड़ आना शुरू होता है। सब विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। बर्ड्स का जो विज़न है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, बर्ड्स को कम दिखना बंद हो जाता है। जबकि विटामिन ए रेगुलर लेता रहेगा तो बर्ड्स में इसकी आईज से इस तरह की कोई विजन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखने में। इससे विटामिन ए बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। टेल बॉबिंग भी जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी का एक सिम्टम्स है। इसलिए यदि आपका बर्ड्स टेल बॉबिंग कर रहा है तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना चाहिए उसकी डाइट में विटामिन ए की डिफिशियंसी है। अब बात आती है कि विटामिन ए की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कि हमें बर्ड्स की डाइट में देनी चाहिए ताकि उसकी विटामिन ए की पूर्ति होती रहे। शिमला मिर्च जो है आपको बर्ड्स की डाइट में, शिमला मिर्च के अंदर विटामिन ए काफ़ी एक्सेस मात्रा में होता है, यानी हरी सब्जियां जितनी होती है उसमें कैल्शियम और विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। उसमें बेल पेपर्स बोलते हैं शिमला मिर्च को। ब्रोकली हो गई, कैरेट्स हो गए, गाजर हो गई, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी बोलते हैं, ये भी विटामिन ए का काफ़ी अच्छा सोर्स होती है। ये सब चीज़ें यदि आप बर्ड्स की डाइट में आप देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बर्ड्स को रेगुलर होती रहेगी और आपके बर्ड्स कभी भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से फेस नहीं करेगा। पुदीने की पत्तियां भी यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर देते हैं, पुदीने की पत्तियों में भी विटामिन ए काफ़ी अधिक होता है और बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी यदि आप बर्ड्स की डाइट में नहीं देते हो ये भी इसकी वजह से भी जो बर्ड्स में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ओमेगा 3
देने से बॉडी की डाइट में जो है उसकी बॉडी में स्किन या ऑयल का प्रोडक्शन होता है। यदि आप ओमेगा थ्री नहीं देंगे तो उसकी स्किन जो है ड्राई रफ से हो जाएगी, स्क्रैचेस उसकी बॉडी में हो जाएंगे, पपड़ी सी जैसे शरीर के अंदर जमती है ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स की डेफिशिएंसी के कारण। इसलिए डाइट के अंदर ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स भी आपको उसके फूड में भी दे सकते हो, आप फूड के ऊपर स्प्रे करके दे सकते हो, पीने के पानी में भी दे सकते हो, या बर्ड्स को डायरेक्ट भी आप पिला सकते हो। ओमेगा थ्री देने से ही आप देखेंगे कि आप जब उसको देना शुरू करेंगे तो बर्ड्स की बॉडी में ड्राइनेस जो होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, यानी बर्ड्स जो है खुजली कम करना शुरू कर देगा ओमेगा थ्री देने से। ओमेगा थ्री के सोर्सेज क्या हैं कि हम अपने बर्ड्स को खाने में से क्या चीज़ दें कि जिससे बर्ड्स को ओमेगा थ्री ऑटोमेटिक अपने मिल जाए। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स जो है यदि आप अपने बर्ड्स को एज ए डाइट में देते हो तो ये जो है ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स के सोर्सेज होते हैं। इसलिए बर्ड्स की डाइट में ये भी आप हमेशा रेगुलर ऐड कीजिए ताकि बर्ड्स को इन चीज़ों की डेफिशिएंसी ना हो। जिंक, विटामिन ए की यदि कमी शरीर में है तो विटामिन ए की कमी की वजह से जिंक का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए विटामिन ए यदि आप डाइट में रेगुलर देंगे तो जिंक का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर अपने आप उतरेगा और जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसलिए विटामिन ए जिंक के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से फिर आप देखेंगे कि जब आपकी बॉडी में जिंक नहीं मिलेगा, आपके बर्ड्स को डाइट में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी बर्ड्स की जो है इम्यूनिटी काफ़ी वीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका बर्ड्स बार बार बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए विटामिन ई दीजिए ताकि विटामिन ए की प्रेजेंस में जिंक का एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में प्रॉपर होता रहे। सोर्स ऑफ जिंक, जिंक किन किन चीज़ों में पाया जाता है बर्ड्स को, जैसे आप पम्पकिन सीड्स देखते हो, पम्पकिन सीड्स में जो है जिंक काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अपने बर्ड्स को खाने के लिए, पैराकिट्स को स्पेशली आप उसको खाने के दाने के तौर पर दीजिए, काफ़ी अच्छा होता है सोर्स पम्पकिन सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हो गया, एलमंड्स हो गया, कैश्यूज हो गया, ये सब भी जो है जिंक के सोर्सेज हैं, ये भी आप अपने बर्ड्स को जो है डाइट में रेगुलर खाने के लिए देते रहिए। बर्ड्स की खुजली होने का एक सबसे बड़ा रीजन्स होता है ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी। आपको पता है जितने भी पैराकिट्स होते हैं मोस्टली सब ट्रॉपिकल्स एरिया में पाया जाता है, अब वहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा यदि हम इन बर्ड्स को किसी दूसरे एरिया में ग्रो अप करते हैं तो ऑटोमेटिक यदि वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल कम है, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से बर्ड्स में जो है आप कह सकते हैं उनकी त्वचा जो है शुष्क हो जाती है। शुष्क होने की वजह से क्या है ऑटोमेटिक ड्राइनेस आ जाएगी और जब ड्राइनेस बॉडी में ज़्यादा होगी तो आपका बर्ड्स जो है इचिंग स्टार्ट कर देगा। आपने नेचर के अंदर देखा होगा वाइल्ड के अंदर बर्ड्स जो है दिन में तीन चार बार बाथ लेते हैं, तीन चार बार पानी में नहाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि ताकि अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकें। तो इसलिए घरों के अंदर हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करना हमारी बर्ड्स की ये हमारी जिम्मेवारी कि हम उनकी ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं जैसे सर्दियों के दिनों में ये ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, सर्दियों के अंदर हम अपने बर्ड्स के केजेस में है बल्ब लगा देते हैं, हीटर लगा देते हैं, उससे क्या होता है जो एनवायरमेंटल वाटर होता है वो पूरा उड़ जाता है भाप बन करके। अब बर्ड्स की बॉडी वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है 30% से लेस हो जाती है, जबकि बर्ड्स को नॉर्मली में हेल्दी स्किन रखने के लिए 40-60% ह्यूमिडिटी बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी कंडीशंस में हमें करना क्या चाहिए, बर्ड्स पानी के तीन चार अलग अलग सोर्सेज या बाउल्स भर करके हमें उनके केज में रखने चाहिए ताकि पानी की कोई कमी ना हो, यानी जब एवेपोरेट होकर के पानी जा रहा है तो उनकी बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल कम नहीं होना चाहिए। आज एक बार अगर ह्यूमिडिटी लेवल कम हो गया बर्ड्स की स्किन ड्राई होगी तो बर्ड्स उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए इचिंग स्टार्ट कर देगा। इसलिए ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप पानी का अरेंजमेंट रखिए और ये हीटर वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी, और इसके लिए ह्यूमिडिफायर आता है, ह्यूमिडिफायर होता है जो रूम के टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, उसको लगाइए ताकि वो बर्ड उस रूम की पार्टिकुलर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सके। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अब इसमें कहाँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी है तो बॉडी की लो ह्यूमिडिटी हो जाएगी उसकी वजह से उसकी बॉडी में, और जब लो ह्यूमिडिटी होगी तो बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप से इचिंग स्टार्ट कर देगा। इसलिए विटामिन ए का भी बहुत बड़ा रोल है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे दूर करें इस प्रॉब्लम को यदि ह्यूमिडिटी है, तो इसके लिए सबसे बेटर है ह्यूमिडिफायर, यानी आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर आता है जो कि रूम की टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, उसको आप अपने केजेस के अंदर आप फिट कर सकते हैं, रूम के अंदर लगा सकते हैं। आपने जितने भी हीट के सोर्सेज रखे जो कमरे को गर्म करने के लिए वो ऑटोमेटिक सारे बंद कर दीजिए। बर्ड्स के केज में जितने भी नेचुरल प्लांट्स आप लगा सकते हो तो ऑटोमेटिक आपको वो लगाने चाहिए,
ताकि, क्योंकि बर्ड्स आपको पता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं और नमी रखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो नमी जो है आपके बर्ड्स के लिए काम आएगी, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखेगी केजेस के अंदर। इसलिए आपने अक्सर जूस के अंदर देखा होगा या बड़ी बड़ी एवरेज में देखा होगा, हर केज के अंदर एक दो प्लांट जरूर होता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि उस पार्टिकुलर एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी को बूस्टअप किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, ताकि बर्ड्स का ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन हो, बर्ड्स में किसी तरह की स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार बर्ड्स की जो स्किन है बिल्कुल आप कह सकते हो ऑयली बेस में रहती है, बर्ड्स में कोई भी खुश्की जैसे कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आएंगे। यदि आप बर्ड्स में स्किन प्रॉब्लम देखते हो तो स्किन प्रॉब्लम एक इंडिकेशन और भी है कि फैटी लेवर डिजीज के कारण भी जो है बर्ड्स की स्किन जो है ड्राई हो जाती है। जब बर्ड्स का लीवर काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक जो है जो बाइल सीक्रेट होता है बर्ड्स की बॉडी में, ऑटोमेटिक वो है ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिक्सअप हो जाता है, वही बाइल जो है बर्ड्स की स्किन के नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। जहाँ पर वो स्किन में डिपॉजिट होता है उस पोर्शन पर बर्ड्स जो है इचिंग या खुजली स्टार्ट कर देता है, और जब बर्ड्स वहाँ खुजली स्टार्ट करेगा तो बर्ड्स एक्सेस में इचिंग करने की वजह से उस जगह को जो जख्मी कर लेगा। इसलिए जो मेन रोल होता है बर्ड्स को खुजली दूर करने के लिए वो होता है न्यूट्रिशन में विटामिन ए, जिंक और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। ये तीन चीज़ें यदि आप मेंटेन करते हैं तो आपके बर्ड्स में कभी भी खुजली से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।